हुई है, क्या उनके घर जाने का कोई ऐसा प्रावधान उनका है? हमारी पार्टी हमेशा किसानों की बात कहती रही है, किसानों के लिए फैसला लेती है, किसानों के लिए काम करती है, और हमारे नेता पूरे जीवन जब भी फैसला लिया है किसानों का हित देख के फैसला लिया है, उसका लाभ किसानों का पहुंचे। हम समाजवादियों का मानना है कि देश किसानों का है, 80% लोग गाँव में बसते हैं, ये देश के असली मालिक है, उनके हक की लड़ाई तो हम हमेशा से लड़ते रहे। हमारे फैसले बताते हैं, हमारे फैसलों में आप ये पाएंगे कि हमारी हर योजना में कहीं ना कहीं किसान परिवार जुड़ा रहता है। तो मैं कह सकता हूँ किसानों की चिंता हमसे ज़्यादा किसी को नहीं होगी, समाजवादी पार्टी ज़्यादा किसी को नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले किसानों की बात कहते हैं, निश्चित तौर पर कोशिश होगी उनकी कैसे सहायता पहुँचे। हम सरकार, आज सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सहायता करें, समाजवादी पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, अभी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, और जब जब मौका मिलेगा तब तब सहायता करेंगे। देखिए, पार्टी के संगठन में जो लोग काम करते हैं, जिलाध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी है, और दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में अध्यक्ष जी नहीं है इस सभा में, षड्यंत्र का हिस्सा उनके साथ बनकर वो षड्यंत्र फंसे हैं। जल्दी न्याय मिलेगा तो हमें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा उनके साथ, लेकिन फिर पार्टी के जिम्मेदार साथी सब लोग बैठे हैं, उनका परिवार से सहित पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष से लेकर सारे पार्टी खड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे ढंग से आयोजित कर रहे हैं। अभी आपकी जो अभी जो आपकी सभा होना है यहाँ पे, अभी घोषणा भी नहीं हुई है। मैंने कहा पार्टी एक परिवार है, इसमें बस सुनिए, संगठन की जिम्मेदारी संगठन में जिम्मेदारी जिसको मिलती है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन ये पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हजारों और लाखों लोग इसमें काम करते हैं। इतनी बड़ी जनसभा आयोजित होने जा रही थी पूर्व मुख्यमंत्री की, तो इसमें मुख्य चेहरा ललितपुर का कौन रहेगा? हमने कहा इससे पर्दा उठाइए, यहाँ की जनता मुख्य चेहरा है समाजवादी पार्टी की, और चेहरा जब बनने का समय आएगा तो उसके लिए भी पार्टी तय कर देती है। आपका जो सुझाव है, आपकी जो बात है, हम आपकी बात भी पार्टी तक जल्दी पहुँचाएंगे, आपकी चिंता जायज है, हम लोग जल्दी चाहेंगे अध्यक्ष बने। ये पार्टी के लिए बारे में जो बोर्ड है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरा ली जाती है, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है पार्टी के अंदर, लोकतांत्रिक दल है, सलाह मशवरा जल्दी पहुंचेगा, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी फैसला लेगा। अभी आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे और उन्हें जेल भी भेजा गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने कहा कि आप अगर यहाँ से निकलकर 10 जनता के लोगों से पूछ लो कि मुकदमा झूठा है कि सच है, आप खुद समझ जाएंगे झूठा है कि सच है। आपके जिलाध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि इस षड्यंत्र में हमारी पार्टी के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे, कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, अगर कोई जो षड्यंत्र में शामिल होंगे जो भी हों, मैंने कहा जनता की नज़र बहुत पहली पार की होती है, वो सब समझते हैं। नहीं तो क्या उनके झूठ क्या उनके बयान से पार्टी में फूट उजागर नहीं होती? झूठ ज्यादा दिखता नहीं है, सच छुपता नहीं। लेकिन विधायक जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो षड्यंत्र की हवा है वो झांसी से चली। देखिए, षड्यंत्र की हवा ललितपुर से चली कि झांसी से चली, कहाँ चली है तो हमें नहीं पता है, पर अगर षड्यंत्र का कोई हिस्सा है, षड्यंत्र कोई वजह है, उसकी भी समीक्षा हो रही है। मैंने कहा ना, लोग भी देख रहे हैं, जानकारी कभी कभी बातें चलती हैं, सच्चाई कुछ और होती है। समाजवादी पार्टी की कई बैठकें होती रही और बैठकों में आपके यहाँ के कई ऐसे नेता हैं जनप्रतिनिधि जो बैठक में कभी उपस्थित नहीं रहे, कहीं भी मौजूद नहीं रहे, क्या कहेंगे? यही निवेदन करेंगे कि अगर वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करनी चाहिए, पार्टी के संगठन की बैठक में आपको शामिल होना चाहिए। और मैंने कहा कि ये व्यक्ति के स्वयं की जिम्मेदारी का सवाल है, कोई दूसरा थोप नहीं सकता। अच्छा, विधायक जी, हमारी क्या रुचि है, हमें क्या करना है, ये राजनीतिक व्यक्ति खुद तय करता है। हो गया सब कंक्लूजन है।